नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनोखे उपाय में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अनोखे उपाय चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हिंदू धर्म में भगवान शिव को जहां देवों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो वहीं उनके गण भी पूजनीय हैं। भक्त जब भी महादेव के दर्शन करने देवालय जाते हैं तो मंदिर के गर्भगृह के बाहर ही नंदी की मूर्ति विराजित रहती है। ऐसी मान्यता है कि नंदी शिव शंकर के वाहन हैं और उनके परिवार के अभिन्न अंग भी। दर्शन करते समय नंदी से जुड़ी ये जिज्ञासा अवश्य होती होगी कि आखिर उनकी मूर्ति की स्थापना मंदिर के बाहर क्यों? वास्तव में नंदी की मूर्ति समाधि स्थिति में मंदिर में विराजमान होती है, साथ ही उनकी समाधि खुली आँखों की समाधि है। महाभारत में इस बात का जिक्र किया गया है और नंदी की स्थिति को वर्णित करते हुए बताया गया है कि खुली आँखों वाली से ही आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति से ही जीवन मुक्त करना संभव हो पाता है। ये मूर्ति भक्तों को ज्ञान देती है कि मनुष्य रूपी जीवात्मा की पशु समान प्रवृत्तियाँ ईश्वर से दूर ले जाती हैं, जबकि उसकी सद प्रवृत्तियाँ उसे शिव की ओर खींचती हैं। यही कारण है कि गर्भगृह के बाहर स्थापित होते हुए भी नंदी की आँखें प्रभु पर टिकी रहती हैं और निरंतर अपने आराध्य में लीन रहती हैं। शिवालय में प्रवेश करने से पहले नंदी को प्रणाम करने का विधान है। नंदी के सींग विवेक और वैराग्य के प्रतीक हैं। दाहिने हाथ की तर्जनी और अंगूठे से नंदिनी के सींगों का दर्शन स्पर्श करते हुए भगवान शिव के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि इस प्रकार भक्त में घमंड का नाश होता है, अतः भक्त भी मंदिर में प्रवेश करते समय सभी कुविचारों का त्याग कर ईश्वर के दर्शन करें। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। धन्यवाद।